चुनाव के इतने पास होने से अब राजनीतिक दलों में बयान वीरों की बाढ़ आ गई है। पहले तो एनडीए में बस नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ही थे जो विपक्ष के ऊपर सवाल पर सवाल खड़े करते जाते थे और एक से एक तंज भी कसते थे। लेकिन तंज कसने की इस भीड़ में अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी जुड़ चुके हैं। टेकारी विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद के दौरान जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के साथ साथ चिराग पासवान को लेकर भी खूब बयानबाजी की। उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर ये कहा, ये जो चुनाव है उसे एक चुनौती के रूप में लेना है। एक ओर वो है जो दुर्गंध फैलाकर जनता को बहकाना चाहते हैं और दूसरी तरफ अपने विकास कार्यों के बल पर हम सभी चुनाव लड़ रहे हैं। लोग नौकरी देंगे, अपहरण उद्योग चालू करेंगे जो 2005 से पहले चलता था। यहां मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वो पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख सरकारी नौकरियां दिलवाएंगे। जिस बयान पर नीतीश कुमार ने ये तक कह दिया था कि तेजस्वी यादव अनुभवहीन है। आगे जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासन को निशाने पर लेते हुए ये कहा, आपको पता है पहले इंजीनियर डॉक्टरों का अपहरण होता था। लोग मुख्यमंत्री के पास जाते तो अपहरण करने वाले को बुलाया जाता और बोल देते कि लड़का लोग भूखा है, कुछ खाने के लिए दे दो। वैसे लालू परिवार पर निशाना साधना इस बार एनडीए के सारे नेताओं का ब्रह्मास्त्र बना हुआ है। आप कोई भी चुनावी रैली देख लें तो एनडीए के नेता अपने कार्यकाल की जितनी बात करते हैं उससे एक ज्यादा लालू प्रसाद यादव के 15 सालों में जो नहीं हुआ उसकी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे जीतन राम मांझी सिर्फ तेजस्वी यादव तक ही नहीं रुके थे, उन्होंने चिराग पासवान पर भी हमला किया। उन्होंने ये कहा कि दलितों और महादलितों से उनकी विशेष अपील है कि कुछ वोट कटवे लोग हैं जो बरगला रहे हैं लेकिन उनके धोखे में नहीं आना है। चिराग पासवान ने वोट कटवा कहा जाने पर एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये रामविलास पासवान के अपमान जैसा है और उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा दुख है। चिराग पासवान ने अपने बयान में आगे ये भी कहा था कि जो सारे नेता अभी लोजपा को अलग करने की बात कर रहे हैं वो मीडिया के सामने आके ये कह दें कि अगर एनडीए के हिस्से में कम वोट आते हैं तो वो लोजपा का सहारा नहीं लेगी सरकार बनाने के लिए। इस बार एनडीए की तरफ से टेकारी सीट पर उतरेंगे अनिल कुमार जो 2005 और 2010 में जेडीयू की टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। 2010 के बाद वो हम पार्टी का हिस्सा बन गए थे। एनडीए की सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के मुताबिक ये सीट हम पार्टी को ही दी गई है और इस सीट से फिर से एक बार अनिल कुमार ही मैदान में दिखाई देंगे। चुनाव ऐसे तो बहुत पास है लेकिन अभी भी वोट डालने के पहले कुछ दिन हमारे पास बाकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि और कितने नए तरीके के बयान जनता के सामने आते हैं और ये दोनों विपक्षी दल जो एक दूसरे का काम बताने से ज्यादा विरोधी की गलतियां बता रहे हैं वो हमें और क्या क्या गलतियां लाके दिखाते रहेंगे। इस खबर में इतना ही। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हमारा चैनल सबसे पहले उन्हें आप तक पहुंचाता रहेगा। आप स्क्रीन पर दिख रही जानकारी की मदद से हमारे चैनल तक अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।